सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो सब लोग? सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आप लोग थंबनेल देख के ही समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो, चलो मिलते हैं वीडियो पे। तो हेलो गाइस, अभी हम आ चुके हैं रोड पे। तो ये आ गया है मेरा दोस्त एमटी लेके। आ गया मतलब मैं तो खड़ा हूँ तेरे लिए, तू नहीं आया, आ गया। अभी ठीक है यार, मैं पाम में गया था इसलिए लेट हो गया, और थोड़ा सेटअप भी करना था। तो चलो अभी एक फका सा रोड देखते हैं ड्रैग करने के लिए। तो आगे थोड़ा एक रोड मिलेगा, ये रोड तो बहुत ही दिख रहा है कि रोड का हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पे तो रेस नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पे यार लॉन्ग वाला खुला रोड मिलता नहीं है, ठीक है। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आता है यहाँ पे गाड़ी चलाने में, तो ढूंढना पड़ता है। एक रोड है वहाँ पे एक जहाँ पे बहुत ही लॉन्ग सा एकदम खाली सा रहता है, तो उस रोड में जाएंगे, जाके अभी डार्क रेस करेंगे। हम उसके बाइक को एक बार चलाएंगे MT-15 को, और वो मेरा RS को चलाएगा, ठीक है। और चलो देखते हैं। और यहाँ पे जो ये रोड है, यहाँ पे सामने एक पुलिस रहता है पकड़ने के लिए। यार आज नहीं होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो चलो गाइस, अभी नहीं है, मतलब यहाँ पे ही रहता है वो लोग, ठीक है। यहाँ पे बैठ के रहता है चुप के, और जो गाड़ी आता है उसको पकड़ता है। तो चलो अभी तो रोड खुला है, तो थोड़ा RS को भगाया जाए, देखता हूँ। तो बहुत दिन हो गया मैंने मोबाइल चेंज नहीं किया है। तो अभी तो मैंने इंजन ऑयल को ऑर्डर किया था मोटुल का, ठीक है। तो वो अभी आ चुका है, तो कुछ दिन मतलब चेंज करना है मुझे, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है। तो टाइम मिलेगा तो मैं चेंज करा लूँगा। तो ऑनलाइन ऑर्डर दिया था, तो आ गया है, आज ही सुबह डिलीवरी बॉय ने डिलीवरी दे दिया है। तो कोई बात नहीं है, टाइम लेके चेंज कराऊँगा, उसका भी एक वीडियो दूंगा, सब लोग देखना। और मेरा RS का अभी 29,000 किलोमीटर आप हो गया है, और के RS के ऊपर जो क्या क्या चेंज हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। तो था मेरा किलोमीटर अभी 29 है, वो इसमें पूरा 30,000 हो गया, ठीक है। तो उसका एक रिव्यू दूंगा, ठीक है। तो ओनरशिप रिव्यू आएगा बहुत जल्द, तो इसका इंतज़ार में हूँ मैं, ठीक है, पूरा होने का। तो रोड का हालात आप देख सकते हो, देखो इस रोड में कैसे गाड़ी चला है लोग। हमारे यहाँ पे रोड का यही मामला है, एक जगह अच्छा है, एक जगह बहुत बुरा है। अगर एक जगह अच्छा हो गया तो दूसरे जगह बुरा हो गया, एक साथ रोड का भी ठीक नहीं रहता है। तो देख सकते हो MT को भाई, क्या ज़बरदस्त लुक दे रहा है पीछे से, देखो टेल लाइट लगाने से। तो देख सकते हो ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। अगर बारिश होगा तो पीछे जो बैठेगा उसके पीठे एकदम कीचड़ सा लग जाएगा, तो ये परमानेंट नहीं है, इसको वो भी चेंज कराएगा अगर बारिश के टाइम में। तो अभी तो ऐसे ही रहेगा। तो चलो देखो भाई, रोड की हालत देखो, एकदम बहुत ख़राब रोड है। तो आगे जाके रोड अगर अच्छा मिलेगा तो तभी होगा। ये देखो टोटो वालों को देखो, क्या है भाई, इन लोगों का कुछ ये परवाह नहीं कि पीछे कौन है, या घुसा देता है, पीछे का लुकिंग ग्लास भी नहीं चेक करता है। तो यहाँ से एक अच्छा रोड शुरू होता है, तो सामने जाके थोड़ा खाली मिलेगा, तो वहाँ पे जाके शुरू करेंगे। कहाँ पे
यार उसके बाद तो हाँ नहीं यही करेगा, यही नहीं होगा उसके बाद। चल वहाँ पे रोड थोड़ा खाली सा रहता है, तो चल थोड़ा जल्दी चल। हाईवे नहीं रहता है तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है रेस करने में। यार रेस का वीडियो नहीं ला सकता, तो यहाँ से हाईवे बहुत दूर है, तो यहाँ पे ही शॉर्ट एक रोड है, तो यहाँ से ही शुरू करेंगे हम। तो चलो भाई देखते हैं, एक बार ट्राई मारते हैं, होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं मालूम। बहुत ही गाड़ी जा रहा है यहाँ पे इस रोड पे, तो चलो थोड़ा रिक्स लेके करते हैं। क्या बोलेगा भाई? यार मुझे डर लग रहा है भाई, क्या यार इस रोड में नहीं होगा भाई। गियर भी चेंज नहीं किया। भाई वहां पे गाड़ी है, यहाँ पे इस रोड पे है। घुमा के होगा बोला ना भाई, 200 सीसी 250 सीसी ड्यूक भी क्यों ना आ जाए, आसानी से हार नहीं मानेगा। अबे भाई डर लग रहा है, भाई डर लग रहा है, गियर चेंज नहीं कर पा रहा हूँ भाई, इतना रोड में नहीं होगा भाई, डर लग रहा है मुझे, ड्रैग नहीं हो पाएगा इसमें। भाई नहीं होगा, भाई नहीं होगा, बहुत डर लग रहा है, इस रोड में नहीं होगा। अबे यार इधर से गाड़ी आ रहा है, तुझे साइड दूँ के उसके तुझको ओवरटेक करूँ, प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलो गाइस अभी तो यहाँ पे रेस नहीं हो पा रहा है, तो बहुत ही भीड़ है यहाँ पे, गाड़ी जा रहा है, तो सामने देखते हैं एक रोड वहाँ पे होता है क्या। गाड़ी को मैं ठीक से थॉटल नहीं दे पा रहा हूँ भाई, क्या हो। तो भाई रोड सुनसान था मगर बहुत गाड़ी जा रहा है, तो आज डार्क रेस नहीं हो पाएगा, तो डार्क रेस करने के लिए एक खुला सा रूट
बहुत ज़रूरी है, बहुत गाड़ी जा रहा है, रिक्स नहीं लेने का। तो चलो चलो भाई, जितना हो सके हमने दिखा दिया है। और MT का थोड़ा शॉर्ट में पहाड़ थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए वो पहले निकल रहा था। और RS के लिए थोड़ा सा लॉन्ग रूट चाहिए, तो एक दिन जाऊंगा लॉन्ग रूट में, जाके एकदम फाइनली रेस करके दिखाऊंगा। तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलो बाय बाय।